हम नैब के चेयरमैन, और नैब के चेयरमैन सुनो, तुमने इस दुनिया से जाके अल्लाह को जवाब देना है, नवाज शरीफ को जवाब नहीं देना। और एफबीआर के चेयरमैन तुम भी सुन लो, मैं जानता हूं कि हर महीने कितने करोड़ रुपए तुम दुबई भेजते हो, मुझे पता है। और इसीलिए ही तुमने अभी तक किसी भी एक शख्स जिसका पैनामा में नाम आया उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं की। मैं एफबीआर चेयरमैन आपसे पूछता हूं कि क्या आपका इस दुनिया में आना, खा पी के बच्चे पैदा करके चले जाना, वो तो जानवर भी करते हैं, आपको अल्लाह को जवाब देना है। एफबीआर के चेयरमैन, अगर तुम्हारे में गैरत है तो सबको नोटिस भेजो जिनका पैनामा पेपर्स में नाम आया है, सबको नोटिस भेजो। सारा टैक्स बेचारे अभी आम आवाम पे महंगाई करके गरीब गरीब हो रहा है, छोटा सा तबका अमीर हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे में जुर्रत नहीं है कि नवाज शरीफ के खानदान को एक नोटिस भेजो कि किधर से पैसा आया था जो आपकी अरबों रुपए की बच्चों की कंपनीज हैं। और उसके बाद मैं इलेक्शन कमीशन आपसे मुखातिब हूं। अब तक तो आप बजाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान होने के, आप हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ PMLN, नून लीग की। नून लीग के सारे लोग जाके कैंपेनिंग करते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता। जब इमरान खान जाने लगता है तो कहते हैं जी इजाजत नहीं है। आपने जो अलीम खान के केस से किया, हम भूलेंगे नहीं। आपने पहले 60 दिन में आपने केस का फैसला करना था, आपने पहले तारीखें देनी शुरू कर दी। जब 60 दिन गुजर गए, कहते जी अब तो 60 दिन गुजर गए, हम कुछ कर ही नहीं सकते। जनाब इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स, आप के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जमहूरियत की बुनियाद साफ और शफाफ इलेक्शन पे होती है। कौन सा इलेक्शन होता है पाकिस्तान में जो मुतनाजा नहीं होता? हर इलेक्शन के अंदर जो हारता है वो कहता है धांधली हुई, और नून लीग जब जीतती है मुखालिफ कहता है धांधली हुई। मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप कितनी देर तक नून लीग की बी टीम बने रहेंगे? हम और आप, हम और ये सारी पाकिस्तानी कौम इंतजार कर रही है जो आपके पास पिटिशन आ रही हैं। ये प्रेशर नहीं डाल रहे, ये हम इदारों में प्रेशर नहीं डाल रहे। हम इदारों को कह रहे हैं कि वो करें जिसकी इस गरीब मुल्क के टैक्स का पैसा जो आप लेते हैं, आपकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी करें। आप फर्क ना करें कि ये नवाज शरीफ है या कोई और ताकतवर है, कौम इंसाफ चाहती है। और मैं FIA आपसे भी पूछता हूं कि एक न्यूज आइटम आई, एग्जैक्ट एक टीवी चैनल आ रही थी, मीडिया हाउस आ रहा था, एक अखबार में न्यूज आइटम न्यूयॉर्क टाइम्स में आती है, आप उस चैनल को बंद कर देते हैं। यहां तो FIR कट गई पैनामा पेपर्स के ऊपर नवाज शरीफ के खानदान पे। क्या हुआ FIA को, क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? मैं नवाज शरीफ, मैं आखिर में, क्योंकि हमने अभी बड़ा लंबा सफर तय करना है चेयरिंग क्रॉस तक, और इंशाल्लाह आपसे बातचीत भी रहेगी, लेकिन सारी पाकिस्तानी कौम को कहता हूं कि यह फैसला कुन वक्त है पाकिस्तान में। अगर आपके सामने अब दो रास्ते हैं पाकिस्तानियों, दो रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि हम चुप करके इसी तरह चलने दें, स्टेटस को के लोग यही कह रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि मीडिया में कौन से लोग किधर खड़े हैं, कई कह रहे हैं कि जी देखें इमरान खान इंतजार फैलाता है,
भूल जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर चोरी पकड़ी गई है, तो वो कहते हैं कि जी ऐसे ही चलने दो। अगर अगर सुन ले, अगर ऐसे ही चलते गए, मैं आज आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ ने इसने अगले इलेक्शन में अभी से प्लान किया हुआ है, एक एक अरब देना है इसने अपने एमएनएस को, इलेक्शन खरीदेगा। क्योंकि अगर ये इलेक्शन 2018 का नहीं जीतता, ये जेल में जाएगा। इसलिए इसने पूरा जोर लगाना इलेक्शन खरीदने के लिए, इदारों को मजीद और खरीदेगा, इलेक्शन कमीशन पे पैसा चलाएगा, नादरा पे पैसा चलाएगा, ताकि नादरा के जरिए गेम खेल सके। ये पुलिस जो पंजाब की पुलिस है उसको ये इस्तेमाल करेगा मुखालफीन के खिलाफ, झूठी एफआईआर कटवाएगा। किन किन हमारे कितने लोग हैं पंजाब में जिनके ऊपर झूठी एफआईआर हैं, हम सारे यहां शाह महमूद, मैं, जहांगीर, जितने भी चौधरी साहब, हम सब पे एफआईआर कटी हुई हैं। पुलिस को इस्तेमाल करेगा जिस तरह हमजा शरीफ ने जिस तरह पुलिस को पुराने शहर में इस्तेमाल किया। इनके एक कातिल ने दो भाइयों को पिछले साल मारा जो तहरीक इंसाफ के कैंप में बैठे थे, 6 लोगों को गोलियां लगी। एक मुदई था, एक बड़ा दलेर नौजवान मिर्जा तनवीर मुदई था, वो अदालत में चला गया, उसको धमकियां देनी शुरू की। पहले टेररिज्म का केस था उस कातिल के खिलाफ, हमजा शरीफ ने टेररिज्म का केस मुस्तरद करवाया, फिर इसको धमकियां दिलवाई, मिर्जा तनवीर को धमकियां दिलवाई कि केस वापस कर लो। फिर हमजा शरीफ ने उसको मॉडल टाउन बुलाया। मिर्जा तनवीर एक दलेर आदमी था, कहता मैं नहीं जाता, मुझे जाने की क्या जरूरत है, और उसके बाद उसको गोली मरवा दी। 4 छोटे बच्चे हैं उसके, चार छोटे बच्चे उसके, और उसकी बेवा जो मुझे मिली, उसने मुझे सारी कहानी सुनाई। तो ये है आपके शरीफ खानदान जो पुलिस को इस्तेमाल करते हैं लोगों को में दहशत फैलाने के लिए। पुलिस को ये इस्तेमाल करेगा, सारे इदारों को इस्तेमाल करेगा इलेक्शन जीतने का। कोई अगर ये नवाज शरीफ बचता है यहां से, पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं है। दूसरा रास्ता, सारी कौम निकले, नवाज शरीफ से डिमांड करें कि हमें जवाब दो, जो वो जवाब नहीं दे सकता, इदारों के ऊपर प्रेशर डालें कि अपना काम करो, नहीं तो हम सड़कों पर रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। हाथ खड़े करके बताओ, तैयार हो? और इंशाल्लाह हमारा रास्ते में आखिर में मॉडल टाउन का, जो ताहिरुल कादरी के लोगों को पुलिस ने जिस तरह बेदर्दी से कत्ल किया मॉडल टाउन में, अभी तक किसी को सजा नहीं हुई। मिलिट्री डिक्टेटर के जमाने में भी इस तरह कभी गोली नहीं चलाई गई नहाते लोगों के ऊपर। हम सबके लिए इंसाफ के लिए निकले हैं, और सारी रात इंशाल्लाह हम आप सड़कों पे होंगे, मैं आपके साथ होऊंगा। और लाहौर के लोगों, तैयार हो जाओ, हम आ रहे हैं आपके पास।